आप सभी को नमस्कार, स्वागत है आपका एस्ट्रोलॉजर चैनल में। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं गज केसरी योग के बारे में। ज्योतिष के अंदर जब भी राजयोग की बात होती है तब गज केसरी योग एक महत्वपूर्ण योग के रूप में सामने आता है। अगर ये योग कुंडली में सही तरीके से बनता है तो निश्चित ही व्यक्ति भाग्यशाली होता है, स्वास्थ्य संपत्ति संपन्नता जीवन में प्रवेश करता है और जीवन आसान हो जाता है। परंतु ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि इस योग के होने पर भी संतोष से जीवन नहीं जी रहे। इस वीडियो में मैं आपको इस विषय पर बताने जा रहा हूँ। इसमें हम जानेंगे कि गज केसरी योग कब बनता है, कब योग काम नहीं करता है, कब योग खंडित हो जाता है। क्या होता है गज केसरी योग ज्योतिष के अनुसार? इस योग के अंतर्गत चंद्रमा को या फिर चंद्र लग्न को गुरु या अन्य शुभ ग्रहों द्वारा शक्ति और शुभता प्राप्त होती है, और चंद्र जो कि मन का कारक है और जल तत्व को संबोधित करता है, तो व्यक्ति को मान सम्मान, स्वास्थ्य, स्थिरता, शक्ति, धैर्य, धन, प्रेम, पारिवारिक सुख आदि की प्राप्ति आसानी से हो जाती है। कैसे बनता है गज केसरी योग? जब गुरु चंद्रमा से केंद्र में स्थापित हो जाता है और ये उच्च का हो या फिर शुभ हो और शक्तिशाली हो, तब एक पूरा गज केसरी योग का निर्माण करता है। दूसरी तरीका यह है कि जब चंद्रमा गुरु, शुक्र, बुध आदि शुभ ग्रहों द्वारा दृष्ट हो तो भी कुंडली में गज केसरी योग का निर्माण होता है। यहाँ पर जानने योग्य बात यह है कि ग्रहों की दृष्टि तो ठीक है, पर ग्रहों का शुभ होना, शक्तिशाली होना भी बहुत जरूरी होता है। मैंने ऐसे बहुत से कुंडलियों को देखा है जिसमें जातक को संघर्षों के साथ जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है, कुंडली में गज केसरी योग होते हुए भी। इसके अनेक कारण सामने आए। आइए जानते हैं कैसे गज केसरी योग का प्रभाव जीवन में कमजोर पड़ जाता है। जब गुरु कमजोर हो या शत्रु का हो कुंडली में, तब जातक को इस योग का शुभ प्रभाव नहीं मिल पाता है। जब चंद्रमा खुद ही कमजोर हो या दोष से युक्त हो तो उस दशा में भी जातक को इसका शुभ प्रभाव पूरा नहीं मिल पाता है। जब चंद्रमा गुरु या अन्य शुभ ग्रहों की शक्ति अत्यंत कम हो तो उस दशा में भी जातक को गज केसरी योग बनने पर भी उसका लाभ नहीं मिल पाता है। आइए जानते हैं कि गज केसरी योग अगर पूरा बन रहा हो और शक्तिशाली हो तो उस केस में जातक को क्या क्या लाभ हो सकते हैं। कुंडली में अगर राजयोग हो तो व्यक्ति समाज में अपने कार्यों के कारण, अपने दिमाग के कारण एक अलग छवि बनाने में सक्षम हो जाता है। लोग उसको अपना आदर्श बना सकते हैं। सफलता सभी दिशाओं से जीवन में प्रवेश करने लगती है। हर प्रकार का ऐशो आराम जीवन में होता है जिससे व्यक्ति खूब आनंद पूर्ण जीवन व्यतीत कर सकता है। लोग ऐसे व्यक्ति से बहुत कुछ सीखते हैं। ऐसे व्यक्ति प्रेम में भी सफल होते दिखाई देते हैं। अब आखिर में मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी और देना चाहूंगा कि हमेशा किसी भी योग पर आश्रित नहीं होना चाहिए या फिर योग को जानकर ही निर्णय नहीं लेना चाहिए। ऐसा होता है कि जिनके कुंडली में कोई योग नहीं बन रहा हो पर ग्रहों का बल अच्छा हो तो ऐसे लोग भी जीवन में काफी सफल होते नजर आते हैं। ये जरूरी है कि अच्छे ज्योतिष को कुंडली दिखाकर ही अपने बारे में कोई निर्णय लिया जाए। जरूरी नहीं है कि अगर कोई कुंडली में राजयोग ना हो तो जीवन में सफलता ना मिले। ऐसे लोग भी काफी सफल दिखते हैं जिनके कुंडली में कोई राजयोग ना दिखता। अतः अगर कुंडली में गज केसरी योग ना हो या फिर राजयोग ना हो तो भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। हो सकता है आपकी कुंडली में कोई ऐसे ग्रह काफी मजबूत रूप में बैठा हो जिसके कारण आप जीवन में जबरदस्त तरीके से खुद के बल पर सफलता को ला सके। उम्मीद है इस वीडियो में आपको गज केसरी योग के बारे में काफी जानकारी प्राप्त हुई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।